आप लोगों को, देशवासियों को एक गारंटी दी थी। मैंने कहा था कि तीसरे टर्म के पहले 100 दिन देश के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए जाएंगे। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किए, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाने लगे, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्राण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए। और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी यार, ले लो ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है, कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं। और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पछाते हुए 100 दिन के निर्णयों में देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है। इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। चुनाव के दौरान मैंने 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी देश को दी थी। इस गारंटी पर तेजी से काम हो रहा है। आज यहां इस कार्यक्रम में भी गुजरात के हजारों परिवारों को पक्का घर मिला है। कल मैं झारखंड में था, वहां भी हजारों परिवारों को घर दिए गए हैं। गांव हो या शहर, हम सभी को बेहतर जिंदगी जीने के लिए व्यवस्थाएं जुटाने में लगे हैं। शहरी मिडिल क्लास के घरों के लिए आर्थिक मदद देना हो, श्रमिकों को सही किराए पर अच्छा घर देने का अभियान हो, फैक्ट्रियों में काम करने वाले के लिए विशेष आवास योजना बनानी हो,
वर्किंग वीमेन के लिए देश में नए हॉस्टल बनाने हो, सरकार इन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, कुछ दिन पहले ही गरीब और मिडिल क्लास के स्वास्थ्य से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। मैंने आपसे वादा किया था कि देश में 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। अब मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को अपने मां बाप के इलाज की चिंता नहीं करने पड़ेगी। अब आपका ये बेटा इसकी चिंता करेगा। साथियों, इन 100 दिनों में नौजवानों की नौकरी, उनके रोजगार, स्वरोजगार, उनके कौशल विकास के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का विशेष पीएम पैकेज घोषित किया गया है। इसका फायदा 4 करोड़ से अधिक नौजवानों को होगा। अब कंपनियों में पहली नौकरी की पहली सैलरी भी अगर कंपनी नए नौजवान को पहली बार रोजगार देती है तो वो पैसे सरकार देने वाली है। सरकार ने मुद्रा लोन ने स्वरोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है। बहुत सफल अभियान रहा है। उसकी सफलता को देखते हुए पहले 10 लाख रुपए तक मिलते थे, अब उसे बढ़ा करके 20 लाख रुपया कर दिया गया है। साथियों, मैंने माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी। बीते सालों में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है, लेकिन आपको खुशी होगी कि तीसरी टर्म में पहले 100 दिन में गुजरात सहित पूरे देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है।